जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, हार्दिक स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के मुख्य बड़ी खबरों के इस ताजा समाचार के वीडियो में। दोस्तों आज एक बार फिर से देश में कोरोना फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, आज अभी अभी जारी हुई है चेतावनी, देश में अगले एक हफ्ते के दौरान फिर आने वाली है कोरोना की एक और लहर, बढ़ गई है सरकार की चिंता। भाई और बहनों, बड़ी अपडेट सामने आई है आज के मुख्य समाचारों में। आपको जानने को मिलेगा कहां कहां आखिरकार कोरोना लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, देश में एक बार फिर से कोरोना की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, कोरोना की एक और लहर अगले एक सप्ताह के भीतर देश में आ सकती है। बड़ी टेंशन यहां पर देने वाला है कोरोना, देश के कई राज्यों में यहां पर फिर से चेतावनी जारी हो चुकी है। दोस्तों बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और वहीं राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड को लेकर हुआ है ये बड़ा बदलाव, जान ले वरना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना हो जाएगा बंद। भाइयों और बहनों, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी कार्ड आपके पास में है तो कुछ नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, इसकी जानकारी अवश्य ले लीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। साथ ही में बिजली बिल, कई दिनों का बकाया है आपके पास में, पैसों की किल्लत है, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अब बिजली का बिल होगा माफ, बस यहां करें आवेदन, बचे हैं सिर्फ 2 दिन। भाई और बहनों, सरकार ने आम जनता की मदद करने के लिए, एक राज्य सरकार है जो कि आपका बिजली का बिल माफ कर रही है, तो आप भी अपना बिजली का बिल बकाया माफ करवाना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करना है, बचे हैं सिर्फ 2 दिन, फटाफट से कराएं आवेदन। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई है, सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक किसान को अब मिलेंगे हर महीने 3,500 रुपए। छठ पूजा के मौके पर सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों अगर आप भी किसान हैं या फिर किसान परिवार में रहते हैं तो आपको 3,500 रुपए कैसे मिलेंगे, ई श्रम कार्ड है, आधार कार्ड है, तो बने रहिए वीडियो में। छठ पूजा को लेकर सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। और वहीं इसी के साथ में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, मात्र 2,000 रुपए में मिल रहा है सैमसंग का ये धांसू स्मार्टफोन, फटाफट से करवा लें बुकिंग। दोस्तों अगर आप भी यहां पर स्मार्टफोन नया खरीदने की सोच रहे हैं तो 50 मेगापिक्सल वाला ये धांसू स्मार्टफोन सैमसंग का मात्र 2,000 रुपए में अब आप भी खरीद सकते हैं। कैसे आवेदन करना है यानी कैसे इसकी बुकिंग करवाना है, कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे। और वहीं दिवाली के बाद सरसों के तेलों में आई तगड़ी गिरावट, दाम हुए धड़ाम, 1 लीटर के जाने क्या है ताजा भाव। भाई और बहनों, दिवाली जैसे ही खत्म हुई है सरसों के तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। तो कितने रुपए तक सस्ता हुआ है सरसों का तेल, खाने का तेल, 1 लीटर के ताजा भाव आपको जानने को मिलेगा थोड़ी देर में। और वहीं पति और पत्नी दोनों को मिलेंगे अब हर महीने 10,000 रुपए, सरकार ने दी है पेंशन, जान लीजिए क्या है योजना। अगर आप भी पति पत्नी हैं, अगर आप भी यहां पर पैसों की दिक्कत से जूझ रहे हैं, आपके पास में कोई काम धंधा करने के लिए नहीं है, घर पर ऐसे बैठे हैं, तो सरकार अब आपकी मदद करने वाली है। पति और पत्नी दोनों को प्रति माह 10,000 रुपए तक मिलने वाले हैं पेंशन के रूप में। ये कैसे मिलेंगे आपको, पूरी जानकारी जानने के लिए अंतिम तक जरूर बने रहें। अगर आपकी भी उम्र 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो संपूर्ण जानकारी बताएंगे भाई और बहनों। और वहीं राशन कार्ड समेत अगले महीने से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर होने जा रहा है बड़ा बदलाव। LPG रसोई गैस सिलेंडर होने जा रहा है महंगा, जानिए कौन कौन सी कंपनियों के गैस सिलेंडर होंगे महंगे। अगर आप भी दोस्तों LPG गैस सिलेंडर, HP का, भारत गैस का या फिर इंडेन, तीनों में से किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अपडेट आई है। आखिरकार कितने रुपए तक दाम बढ़ेंगे, कंपनियों की ओर से एक बड़ी जानकारी आई है। LPG रसोई गैस सिलेंडर, राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा नियम लागू हुआ, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और वहीं डेंगू के खतरे से बढ़ गई चिंता, अगर आपके भी घर में हैं बच्चे तो बरतें सावधानी वरना हो सकता है खतरनाक। दोस्तों देश के इन 5 राज्यों में डेंगू बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सावधान हो जाएं, इन सावधानियों को जरूर बरतें। कौन कौन से सावधानियां बरतें हैं, आखिरकार कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से 5 राज्यों में डेंगू तेजी से बढ़ रहा है, इसकी पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। और वहीं अभी मानसून ने नहीं ली है विदाई, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, देश के ये 10 राज्य रहे सावधान, अगले 24 घंटे के दौरान होने वाली है भारी बारिश। साथ ही में भाइयों और बहनों, यहां पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, रेलवे ने दिया झटका, देश के इन 5 राज्यों में जाने वाली ट्रेनों को कर दिया रद्द। तो दोस्तों इन सभी खबरों की आइए जानते हैं एक एक करके हर एक संपूर्ण जानकारी। उससे पहले निवेदन करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को जरूर दबा लीजिएगा और बेल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो भाइयों और बहनों, आज की बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आई है, LIC सस्ती दर पर दे रहा है लाखों रुपए का लोन, घर बैठे ऐसे करें आवेदन। दोस्तों अगर आप सस्ती ब्याज दर पर लोन लेना चाहते हैं, कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो अब आपको बैंक में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब आप LIC की पॉलिसी पर आसानी से घर बैठे लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों LIC ने भी अब अपने ग्राहकों को पर्सनल लोन देना शुरू कर दिया है। LIC के इस लोन के लिए आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इस लोन की खासियत यह है कि इस पर आपको ब्याज भी कम देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से लोन के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिसने LIC की पॉलिसी ले रखी है। मतलब अगर आप भी यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, 10 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं आप। कोई काम धंधा शुरू करना है तो आप भी LIC की पॉलिसी अगर ले रखे होते हैं तो घर बैठे ही आवेदन कर दीजिए, अब आपको पैसे मिल जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में मिलेगा ये सामान। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। आपके लिए बता दिया जाए कि यदि आप राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड लाभार्थियों को अब सरकार जो है राशन तो मुफ्त में दे ही रही है, साथ ही साथ अब दिवाली के ठीक बाद एक और सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और साथ में राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार अब आपको मुफ्त राशन के साथ ही साथ चीनी भी मिलेगी। भाई और बहनों, अभी तक आपको चीनी नहीं दी जाती थी, लेकिन राशन कार्ड धारकों को अब जो भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं उनको अब यहां पर राशन मिलेगी, साथ में 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी भी दी जाएगी। तो दोस्तों आपके पास में कौन सा राशन कार्ड है कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये लोग रह जाएंगे फ्री बिजली से वंचित। आप भी लेना चाहते हैं मुफ्त बिजली या फिर बिजली बिल करवाना चाहते हैं माफ, तो फटाफट से करवाएं आवेदन, बचे हैं सिर्फ 2 दिन। दोस्तों आपके पास में पैसों की दिक्कत है, आप अपना बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो अब आपका बिजली का बिल माफ हो सकता है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो सरकार की ओर से दिल्ली वासियों को बिजली सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों दिल्ली वासियों को प्रति परिवार 200 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का ऐलान किया गया है। यही नहीं दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर अपना बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं या फिर बिजली बिल पर छूट लेना चाहते हैं तो 2 दिन के भीतर अगर आप अपना बिजली बिल माफ करवाने के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपका बिजली का बिल आधा तक माफ हो सकता है। भाई और बहनों, यही नहीं, अगर आप दिल्ली के अन्य भी राज्यों के रहने वाले हैं तो कई अन्य राज्य भी आपके बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान सरकार ने भी अभी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अपने राज्य का नाम बताएं, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे आपके राज्य में बिजली का बिल माफ होगा या फिर नहीं। और वहीं इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, अगले महीने से लागू होने जा रहे हैं कई नए नियम होने जा रहे हैं, ये 10 बड़े बदलाव। मोदी सरकार का आया बड़ा ऐलान, संपूर्ण देश में बंद हो जाएंगी ये 6 चीजें, देशवासियों को लगेगा बड़ा झटका। भाई और बहनों, 1 नवंबर से नया महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में यहाँ पर 1 नवंबर से इस कुछ नए बड़े बदलाव, कुछ नए परिवर्तन देश में होने वाले हैं, साथ ही कुछ नियम भी लागू हो जाएंगे जिनका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ेगा। अगर आप इन नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको कई बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। भाई और बहनों, दरअसल बताते चलें, आपके घर से लेकर आपकी जेब से जुड़े हुए ये कई अहम बदलाव हैं जिसमें आपका रसोई गैस सिलेंडर, LPG रसोई गैस सिलेंडर समेत PM किसान की KYC से जुड़ी भी कई बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं। यही नहीं, इंडियन रेलवे भी अपनी समय सारणी बदलने वाला है, यानी कि अब ट्रेनों की भी यहाँ पर नई समय सारणी लागू हो जाएगी। तो दोस्तों बता दिया जाए कि LPG रसोई गैस सिलेंडर 1 नवंबर से यहाँ पर जो है महंगा भी हो सकता है, ऐसी खबर निकल कर आई है। 14.2 kg वाला रसोई गैस सिलेंडर 1 नवंबर से महंगा हो जाएगा, और वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आपने अपना PM किसान सम्मान निधि योजना की EKYC नहीं करवाई है तो जरूर करवा लें, वरना आपको पैसे मिलने बंद हो सकते हैं, 1 नवंबर से ये बड़ा बदलाव हो जाएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल दोस्तों, दिवाली के बाद सरसों के तेल हुए धड़ाम, 1 लीटर के जाने क्या है ताजा रेट। दोस्तों त्योहारी सीजन में हर सामान महंगा मिल रहा था, अब इस त्योहारी सीजन जैसे जैसे निकल रहा है और छठ पूजा भी यहां पर अब नजदीक आ चुकी है, वैसे वैसे सरसों के तेल की बात करें तो विभिन्न राज्यों में तेल के भाव आज जो है यहां पर गिरावट के साथ में देखे जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर खाने का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर आपके सोयाबीन हो गया, बिनौला, मूंगफली, सूरजमुखी, इन सभी के तेलों की कीमतों में यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। सरसों के तेल का भाव 156 रुपये प्रति लीटर का यहाँ पर जो है चल रहा था, अब वहीं यहाँ पर अगस्त में देखा जाए तो 171 रुपये प्रति लीटर में बना हुआ था, यानी कि पिछले 1 से 1.5 महीने में यहाँ पर लगभग 11 से 12 रुपये तक की यहाँ पर जो गिरावट देखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पति और पत्नी दोनों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये। जानिए क्या है सरकार की योजना। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर पति और पत्नी आपकी शादीशुदा हो चुके हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है हर महीने पेंशन के रूप में 10 हजार रुपये सरकार देने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दीजिए कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है या फिर उनके पैसों की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, तो सरकार ने यहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बाद इनके जीवन को सुरक्षा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। दरअसल अगर आप भी अभी कहीं पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं और साथ ही में आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको पेंशन के रूप में 10 हजार रुपये प्रति माह मिलें,
तो भाइयों और बहनों, आपके लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप फटाफट से इसमें आवेदन करवा दीजिए। आप पति और पत्नी दोनों को 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, यानी कि आपको 10,000 रुपये कुल मिला के मिलने वाले हैं। इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मात्र 2,949 रुपये में मिल रहा है सैमसंग का 1500 स्मार्टफोन। ऐसे करवाएं बुकिंग। अगर आपकी जेब में यहाँ पर 2,949 रुपये हैं तो अब आप यहाँ पर सैमसंग का ये एक 1500 स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, आपको बता दीजिए कि यहाँ पर सैमसंग 5G स्मार्टफोन लेकर आ चुका है, जिससे मात्र आप 2,999 रुपये में घर ले आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। इसमें आपको डाउन पेमेंट करानी होगी, जिसमें आपको 2,949 रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आप इस फ़ोन को घर ले आ सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर पैसे बचेंगे उसे आप किस्त के रूप में दे सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, उससे पहले बता दें कि इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही साथ ये 5G फ़ोन है और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलने वाला है।